नमस्कार मारुति मल्टीमीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं दुष्यंत सोनी खंडवा से आपके लिए एक बहुत बड़े लेसन लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा एक गाने के ऊपर जो देशभक्ति गीत है उसके ऊपर ढोलक कैसे बजाई जाती है, कौन कौन से बोल हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना है और उसको कैसे बजाना है, ये सब चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मैंने जो अभी नई सीरीज़ चालू करी जिसमें मैं आपको गाने के ऊपर ढोलक बजाने सिखाने वाला हूँ, तो उसमें ये लगभग मेरा दूसरा वीडियो होगा। ऐसा मैं आपको कुछ ना कुछ नए वीडियोस डेली लगभग देता रहूँगा। तो ये बहुत अच्छा गाना भी है और बहुत काम का वीडियो भी है आप लोगों के लिए। एक्चुअली आज जो हम ये ढोलक बजा रहे हैं, ये जो ढोलक दिख रही है आपको, ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं नरसिंहपुर के, संतोष सोनी जी, उन्होंने ये परचेस करी है और उन्होंने कहा कि आप हमारा वीडियो बनाइए। तो मैंने बोला चलिए जब वीडियो बनाना ही है तो उन्हीं की ढोलक पर बना दिया जाए। ये शीशम लकड़ी की ढोलक है और बढ़िया हैवी वेट, फुल लेंथ और सबसे बढ़िया चमड़े इसके अंदर लगे हुए हैं और इसकी टोन भी, क्वालिटी भी, बेस भी और ये सब कुछ दोनों बहुत शानदार है। तो ऐसा आप यदि चाहते हैं तो ज़रूर आप मुझको मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके ढोलक के फ़ोटोज़ ले सकते हैं, प्राइस रेंज पूछ सकते हैं और उसको खरीद सकते हैं। तो हम आते हैं, हमारा जो वीडियो है वो आज गाना है दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तो ये बहुत प्रसिद्ध गाना है कर्मा का, बहुत साधारण सी बीट लगी है, सुनने में समझ नहीं आती, मैं आपको बहुत सीधे तरीके समझाने की कोशिश करूँगा। एक ही बीट में सारा काम हो जाता है, छोटी सी उठान लगती है, बाकी इसमें कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। तो मैं आपके सामने थोड़ा सा बजा के बताता हूँ फिर हम उसको समझेंगे। ये एक्चुअली 8 मात्रा का बोल है और डबल स्पिंट बजता है, बहुत शानदार बोल है। बोल है धिट नाधा तिद्धि नाना, धिट नाना तिट नाना, बहुत सरल बोल है। स्क्रीन पे भी आपको ये बोल शो हो रहा है, धिट नाधा तिद्धि नाना, धिट नाना तिट नाना, धिट नाधा तिद्धि नाना, धिट नाना तिट नाना। तो ये बोल की पहले हम जड़ में जाएंगे, एक्चुअली जड़ मतलब ये बोल कहाँ से बना, इसका बेसिक बोल क्या है, पहले वो सीखेंगे, उसके बाद इस बोल को बजाना बहुत आसान हो जाएगा। यदि वो बोल हमसे बज गया तो ये बोल बजाना कोई कठिन नहीं रहेगा। तो इसका जो बेसिक बोल है, तो इसका बेसिक बोल है, छोटा बोल है, वो है धिट नाना तिट नाना। मैंने आपको कई बार ये बोल बताया है मेरे वीडियोज़ में और अभी बताता हूँ। तो पहले हम जो हमने बेसिक मेरे वीडियोज़ आपने देखे हैं, यदि वो आप समझदार हैं, उसको आप समझते हैं कि कैसा बजता है, तो फिर से समझाता हूँ मैं आपको। बोल है धिट नाना तिट नाना, पहले ये समझते हैं। तो धिट जो होता है वो तिट राइट में फर्स्ट फिंगर से ती और सेकंड थर्ड से ट, तिट के साथ पहली उंगली के साथ घे बजाना है तो धिट बनेगा। कैसे, धी ट, धी ट, राइट में उंगलियाँ चिपकानी है वो भी बीच में, ठीक है, धीट। अब नाना, नाना के लिए आपको फर्स्ट फिंगर से किनारी पे नाना बजाना है, नाना, धिट नाना, फिर तिट धाना, तो फिर तिट, जैसे हमने धिट बजाया था वैसे तिट, उसमें लेफ्ट हैंड नहीं लगेगा, तिट, फिर धाना के लिए धा और ना, ना के साथ घे मिलाएंगे धा बनेगा, धाना। तो धीरे धीरे समझते हैं पहले इस बोल को, धीट ना ना टी धाना। अभी आप देख रहे होंगे मैं लेफ्ट हाथ में थाप लगा रहा हूं, तो थाप जो लग रही है वो है चौथे बोल पर, धीट ना ना, जो चौथा ना शब्द है उसकी को हमको थाप के साथ बजाना है। देखिए कैसे, धीट ना ना, ठीक है, तीट धाना। थाप लगाने से बोल में रिदम आता है, बोल की खूबसूरती बढ़ती है। तो जरूर ध्यान दें कि इस चीज़ को जरूर यूज़ करें। अभी जो हमारे गाने में जो लगा हुआ बोल है वो एक्चुअली 8 मात्रा का है, उसमें 2 बार थाप लगेगी, तो खैर हम समझेंगे उसको। तो पहले ये बजाना जरूरी है उसके लिए आपको, धीट नाना तीट धाना।
तो ये हुआ धिट नाना तिट धाना। तो गाने में जो बोल लगा है वो आप फिर से समझिएगा कैसे बसता है, वो मैं आपको बताता हूँ। बोल है धिट नाधा तिद्धि नाना धिट नाना तिट नाना। तो बहुत सरल बोल है, इसमें कोई कठिनता नहीं। जैसे धिट नाना तिट धाना अभी बजाया हमने, उसी को हमको आगे बढ़ाना है। तो हम चार चार मात्रा के विभाग से समझते हैं। तो पहली चार मात्रा है धिट नाधा तिद्धि नाना। तो धिट नाधा तिद्धि नाना। अभी तिद्धि जो शब्द है उसको समझना है, क्योंकि धिट नाधा तो हम बजा लेंगे। फिर से देखते हैं, धिट नाधा तिद्धि नाना। तिद्धि जो शब्द है वो तिट के टॉप के ऊपर घे बजाना है। फिर से देखें कैसे, तिद्धि। ये सारा जो बोल है सब चिपक के बजने वाला है अंदर। ना और धा ही एक दो वर्ड ऐसे हैं जो हम कॉर्नर पे लगाएंगे जिसमें आस निकलेगी, गूंज निकलेगी। तो तिद्धि कैसे बजेगा, तिद्धि तिद्धि। ठीक है, फिर से देखते हैं, धिट नाधा तिद्धि नाना। फिर धिट नाना तिट नाना। अब इसमें दो जगह थाप लगी है वो समझना हमें बहुत जरूरी है दूसरे विभाग में। तो धिट नाना तिट नाना ये शब्द बज रहा है, पर थाप लगानी जरूरी वो कहाँ ये समझ लीजिए। तो धिट नाना जो पहला नाना शब्द है उसके दूसरे ना पे थाप है। मैं आपको स्क्रीन पे सब दिखा रहा हूँ, जो कलरफुल एरियाज हैं उन पर आपको थाप लेनी है। तो धिट नाना धिट नाना, ये दूसरे विभाग की बात हो रही है ना। धिट नाना, फिर तीट नाना, तीट के ट के ऊपर थाप लेना, तीट नाना। फिर से देखते हैं, पूरे बोल को धीरे धीरे समझते हैं। धीट नाधा तिद्धि नाना, फिर धीट नाना तीट नाना। अब इसको हम रिदमिक बजाएंगे, धीट नाधा तिद्धि नाना, धीट नाना तीट नाना। अब इसको धीरे धीरे बजाना है आपको, धीट नाधा तिद्धि नाना, धीट नाना तीट नाना। ये हुआ हमारा बोल। अब इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, एक्चुअली एक छोटी सी उठान लगती है, तो वो उठान होती है। अब इस उठान का जो मेज़र है वो बिठापना एक नए व्यक्ति के लिए बहुत कठिन होता है। तो उसकी सरल विधि मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं आपको गा के बताता हूँ थोड़ा सा कि कैसे लगता है, कहाँ पर स्टार्ट होता है। दिल दिया है जा भी देंगे, हे वतन तेरे लिए। अभी क्या हुआ, दिल दिया है जा भी देंगे, तो दिया के बाद ही जस्ट हमें ताता लेना है। तो ताता कैसे बजेगा, तिट ताता ताता। अभी तिट बजा के ताता ताता लोगे तो आपका रिदम नहीं बिगड़ेगा। यदि आप डायरेक्टली, नए व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ, यदि आप थोड़ा बहुत ढोलक बजाते हैं तो आपके लिए डायरेक्ट ये लेना सरल होगा। पर यदि आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको कैसे लगाना, तो तिट लेने से आसानी से बचता है। ये बात ध्यान रखना, जो ताता ताता दोनों बोल हैं, चार बार ताता है इसके, ता शब्द है, उस चारों ता के ऊपर लेफ्ट में थाप लेना है, तभी ये बोल की एक कंसिस्टेंसी या उसकी परफेक्टनेस आएगी। तो फिर से देखते हैं, बोला तो दिल दिया है, या और हे के बीच में जो जगह है उसमें आपको तिट ताता ताता स्टार्ट कर देना चाहिए। ये हमारी उठान है, एक्चुअली इसकी बहुत छोटी सी उठान है चार मात्रा की, जिसमें यदि तिट ना लगाएं तो ताता ताता बजाएंगे तो भी तीन मात्रा के आसपास कवर करता है। तो तिट ताता ताता, ये रिदम उसकी नहीं बिगड़ना चाहिए, तिट ताता ताता। अभी आप तिट बजाएं या ना बजाएं तो ताता ताता जरूर बजाना है, ठीक है। तो स्टार्ट ऐसे ही होगा,
ta 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 dhit na dha ti dhi na na dhit na na dhit na na dhit na dha ti dhi na na dhit na na dhit na na। तो ये बोल बहुत सरल था आपको जो मैंने समझाया, इसमें बस एक उठान और एक बोल की आवश्यकता है। इसको समझना आपको पड़ेगा कैसे बजाएं, मैंने आपको पूरे वीडियो में समझाया है। बहुत से सब्सक्राइबर, बहुत से व्यूवर्स मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ते हैं, घर बैठे तबला ढोलक पखावज सीखते हैं। यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। सारी प्रक्रिया समझिए कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे ली जाती है, और मैंने आपको इंस्ट्रूमेंटल बताया ही। यदि आपको अच्छा तबला ढोलक पखावज चाहिए तो ज़रूर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में लिख करके। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और यदि इस चैनल पे आप पहली बार आएँ तो ज़रूर मेरे वीडियो को आप लाइक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले बहुत सारे वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।